हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैक विद YHAI। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी बेसिक्स ऑफ स्कीइंग के सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आपको स्कीइंग के इतिहास के बारे में बताया था, उसके पार्ट्स के बारे में बताया था, और आज इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम आपको जो बिगनर्स का पहली क्लास होती है, या फिर पहले उनको जो बैलेंसिंग के साथ साथ में टेक्निक सिखाई जाती है, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स में अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, उससे हमें नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक बिगनर स्की पहनता है, स्की कैसे पहनी जाती है वो पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले हम जो हमारा शूज का टो होता है, इसको हम स्की के टो बाइंडिंग में फंसाते हैं, हील से प्रेस करके ऐसे हमारी स्की लॉक हो जाती है। सबसे पहले जो एक्टिविटी हम कराते हैं एक बिगनर को, उसको हम बैलेंसिंग सिखाते हैं। एक बिगनर को स्कीज के ऊपर बैलेंस बनाने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, जिसमें दोनों स्कीज को आगे और पीछे की तरफ स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग कराना, स्कीज को थोड़ा ऊपर उठा के इसके वजन को महसूस करना, या स्कीज के ऊपर नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे वॉक करना, या फिर दोनों स्कीज को पैरेलल रखते हुए फ्लैट सरफेस पे पोल प्लांट के मदद से आगे की तरफ पुश करना, फिर स्लाइड होके जहां स्की अपने आप रुक जाती है वहां से वापस पीछे की तरफ पुश करके स्कीज को बैक साइड में स्लाइड करना। इसके बाद स्कीयर्स को मिडिल पोजीशन सिखाया जाता है। मिडिल पोजीशन में हमारे टोज, नीज और शोल्डर्स एक लाइन में होने चाहिए, जिससे बॉडी का वेट स्की के ऊपर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ बॉडी का मैक्सिमम वेट आगे की तरफ आ जाता है, जिससे एक स्कीयर को गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस बात का ध्यान रखा जाता है जो शूज का टंग है और शिनबोन है, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्कीयर को हल्के ग्रेडियंट वाले स्लोप के ऊपर डाउन हिल की तरफ स्कीइंग करने को बोला जाता है। चूंकि ये स्कीयर अभी नहीं ब्रेक मार सकता है और नहीं ये टर्न ले सकता है, इसलिए किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इसको फॉल होने की टेक्निक सिखाई जाती है, जिसमें स्कीयर दोनों पोल्स को आगे की तरफ करते हुए बॉडी का पोजीशन छोटा बनाता है और राइट या लेफ्ट साइड में किसी भी साइड में खुद को फॉल कर देता है। फॉल होने के साथ साथ स्कीयर को फॉल होने के बाद खुद को रिकवर करना, यानी कि खड़ा होने की टेक्निक भी सिखाई जाती है, जिसमें स्कीयर सबसे पहले दोनों स्कीज को अक्रॉस द स्लोप लेके आता है, फिर बॉडी का छोटा पोजीशन यानी कि स्कीज के पास में बॉडी को लाके दोनों स्टिक्स को यानी स्की पोल्स को हाथ में लेते हुए बॉडी के बिल्कुल पास करीबी से प्लांट करते हुए स्टिक्स के मदद से खुद को खड़ा कर देता है। जैसे मुझे फॉल होना है, पोजीशन छोटा है एंड फॉल, ओके। अभी मुझे उठना है, चलो आ जाओ। जैसे मैं यहां से गिरा था, सबसे पहले एक चीज यहां ध्यान देना है कि जो जहां पर मैं गिरा हूं, जहां से मुझे रिकवर करना है खुद को, सबसे पहले मुझे अपनी दोनों स्कीज, आप लोग भी सुन रहे हैं, सबसे पहले मुझे देखना है कि ग्रेडियंट किस साइड में है। स्लोप जैसा भी हो, जो ग्रेडियंट है स्लोप का, वहां पे मुझे अपनी स्कीज को दोनों को पैरेलल रखना है और अक्रॉस द स्लोप रखना है, जैसे ऐसे। अगर मैं इनको अक्रॉस द स्लोप नहीं रखूंगा, अगर मैंने ऐसा रखा, मैं जैसे उठने की कोशिश करूंगा तो मेरी स्कीज आगे जाएगी, अगर मेरी स्कीज ऐसे होंगी फिर मैं उठने की कोशिश करूं तो मेरी स्कीज ऐसे पीछे जाएगी, ओके। सबसे पहले मुझे दोनों स्कीज को अक्रॉस द स्लोप लाना है, ये अक्रॉस द स्लोप आ गई, और फिर बॉडी का पोजीशन छोटा बनाना है जितना मैं स्की के क्लोज आ सकता है, जैसे कि ये क्लोज आ गए,
फिर दोनों पोल ऐसे पकड़ने हैं हाथ में, एक हाथ से यहाँ पे पकड़ना है और ये अपने बॉडी के क्लोज जहाँ पर मैं प्लांट कर सकता हूँ क्लोजली प्लांट करना है और ऐसे खड़ा होना है ना, बहुत इजी। जब हम स्लोप के ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं और उसके बाद जब हमें वापस क्लाइंब करना होता है स्लोप के ऊपर, तो वापस क्लाइंब करने के लिए हम दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है साइड स्टेपिंग और दूसरी टेक्निक का नाम है हेरिंग बोन। साइड स्टेपिंग के लिए हम स्कीज को अक्रॉस द स्लोप लेके आते हैं, दोनों पोर प्लांट करते हुए नज़र सामने रखते हैं और जो अपर स्की होती है उसका आउटर एज और लोअर स्की का इनर एज दबाते हुए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। स्लोप से नीचे से ऊपर की तरफ आने के लिए जो दूसरी टेक्निक है दैट्स कॉल्ड हेरिंग बोन। हेरिंग बोन एक जर्मन एक फिश है जिसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसका कांटा हम बोल सकते हैं, उस कांटे की जो शक्ल होती है वो उस तरह से दिखती है जिस तरह से हेरिंग बोन टेक्निक की मदद से नीचे से जब हम ऊपर चलते हैं पीछे से जो निशान बन जाते हैं उन निशानों को जब हम देखते हैं तो वो उसी फिश के हड्डी की जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम हेरिंग बोन बताया गया। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए जो स्टेप्स है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें वी बनाना होता है, आगे से टिप को खोलना है, इंश्योर करना है कि पीछे से जो हील है वो हील एक दूसरे से ओवरलैप ना हो और दोनों नीज को अंदर की तरफ हम बेंड करते हैं और पोल प्लांट के मदद से छोटा छोटा स्टेप आगे ले जाते हैं। Dear friends, if you loved this video and you want me to continue to make such informative contents for you, so it's my humble request for all of you, kindly subscribe to this channel. That will keep me motivated to make such informative videos again.